अहो जगमध्यम शुहुर जगमध्यम शुहुर असंस कोल्हापुर महालक्ष्मीची कृपा शरवरती अहो महालक्ष्मीची कृपा शरवरती महालक्ष्मीची कृपा शरवरती मंगळवार शुक्रवार दर्शनाला गर्दी फार मंगळवार शुक्रवार दर्शनाला गर्दी फार सुवासिनी सरतीची वटी भरती नारी ग नारी ग नारी ग तीखी मिर्ची सा जिनका करारा है अंदाज बुलंद हौसला है जिनका साथ योद्धा का जिगर रखने वाले मराठाओं की आन बान शान का मान रखने वाले मराठी संस्कृति जिनके बोल चाल में झलकती है और खाने में महकती है हम है छत्रपति के शहर में हम है माँ अंबाबाई के पावन शहर में हम है कोल्हापुर में मैं सोनाली कुलकर्णी और मैं कुणाल विजयकर और हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र को देखने सुनने और चखने के अनोखे टिप्स महाराष्ट्र ऑन माय लिप्स माँ अंबाबाई के दर्शन के बिना कोल्हापुर का सफर शुरू ही नहीं हो सकता महालक्ष्मी देवी को कोल्हापुर में माँ अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है और ये प्राचीन मंदिर ये महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से और शक्ति पीठों में से एक है सती के नेत्र यहाँ गिरने से इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है इसको करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई के नाम से जाना जाता है छठीवें सदी में राजा कर्णदेव चालुक्य ने इस मंदिर का निर्माण किया यहाँ पर बहुत ही भयंकर खतरनाक शक्तिशाली कोल्हासुर नाम का दैत्य था राक्षस उन्होंने उसका वध माताजी ने यहाँ पर किया है उस राक्षस ने उस समय माताजी से एक वर मांग लिया था जी। कि उसका नाम यहाँ पर रहे इसी वजह से इस जगह का नाम तब से कोल्हापुर के नाम से ये जगह जानी जाती है आपकी मन्नत मांगने से पहले मैंने आपकी मन की बात सुन ली अच्छा हाँ क्योंकि मैं आपको लेके आई हूँ बावड़ा में सर में जो कि ऑलमोस्ट नहीं अभी अभी शंबर वर्ष मतलब 100 साल पूरे कर चुके हैं और यहाँ की जो मिसल होती है ना ये वर्ल्ड फेमस मिसल है वर्ल्ड फेमस सभी सेलिब्रिटी आकर खाते हैं सुना सारे सेलेब्स आके खाते हैं और मुझे लगता है कि यू नो यूजुअली लोग मुझे बोलते हैं कि मैं सेलेब हूँ शायद मराठी फिल्मों की वजह से लेकिन यहाँ मैं आज तक आई नहीं और मेरी तस्वीर यहाँ लगी नहीं है तो जब तक मेरी तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी वो सर्टिफाई नहीं होगा चलो तो आप हम यहाँ खाएंगे आपकी बड़ी तस्वीर यहाँ लगेगी और अंबाबाई के दर्शन के बाद मैं आपका भी दर्शन खावा ना काला रुमलावा कोल्हापुरी मिसळ खावा ना काला रुमलावा डोळे मधी धर कशी पुसायची नारी ग नारी ग नारी ग हे हे धीर 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 दादा मिसळ आणता का ये है मिसळ लुक एट दिस कट जैसे पुणे में जो तरी होती है ऊपर की जो उसको बोलते हैं सैंपल नागपुर में तरी बोलते हैं दैट ग्रेवी हियर इज कॉल्ड कट कट ये जो चिवड़ा होता है वो कोल्हापुरी चिवड़ा होता है कोल्हापुरी चिवड़ा होता है ये आप जो देख रहे हैं ये दही है उसके अलावा खोबरा किस करो मतलब डेसिकेटेड कोकोनट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस पार्ट आलू कहाँ मेरे को आलू मिला कि नहीं हाँ मिला मिला गरम गरम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो बोलते हैं पेटी पाव एक्चुअली बनता है उसी इंग्रेडिएंट से लेकिन स्लाइस उसको करके खाते हैं हाउ इज द स्पाइस लेवल क्वाइट स्पाइसी या क्वाइट स्पाइसी यस कोल्हापुर में आकर स्पाइस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता मिसल तो और बहुत जगह पे बनते हैं स्पाइसीस्ट मिसल कोल्हापुर में मिली आप
मिसल की खासियत ये है, इसमें टेक्सचर्स बहुत होते हैं। एक तो क्रंची टेक्सचर है जो चूड़े का है, फिर सॉफ्ट टेक्सचर जो आलू का है, फिर क्रीमी टेक्सचर जो दही का है, एंड ऑफ कोर्स द लवंगी मिर्ची ऑफ कोल्हापुर। ये मेरा एक बिग बाइट है, इसमें दही भी है, चूड़ा भी है, कट भी है। शाहू महाराज जो हैं, वो कला प्रेमी भी थे, जैसे रेसलर्स हैं, अलग अलग दुनिया भर के आर्ट्स उन्होंने यहाँ पर लाए, वैसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन दिया था। शाहू महाराज ओमनी प्रेजेंट इन द होल ऑफ कोल्हापुर, जहाँ भी देखोगे तो वो उनकी छवि आती ही है। जी, तो उनका पैलेस भी होगा यहाँ। जी, हमें जाना भी चाहिए वहाँ। जी हा? लेकिन ऐसे ही थोड़ी जाना चाहिए, मुझे लगता है अगर पैलेस में जाना है तो थोड़ा बंठन के जाना पड़ेगा ना। I don't mind at all. क्यों नहीं? चलो फिर कोल्हापुरी स्टाइल में करते हैं। देवा आमचा शाहू राजा, आहो देवा आमचा शाहू राजा, सुखी समाधानी प्रजा, जगमध्ये गाजे कीर्ती कोल्हापुरची, जगमध्ये गाजे कीर्ती कोल्हापुरची, जगमध्ये कोल्हापुरची शान आणि महाराष्ट्राचा मान। कोल्हापुरी फेटा, चलो ट्राई करें। आमचं कोल्हापुर। यहाँ पर भी जितने भी लोग रहते हैं, हर समाज को शाहू महाराज ने एक आगे के अंदर पूरा है। अभी हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चालू है यहाँ पर। देश की पूरी कलाएं, जो भी कला थी, यहाँ आकर शाहू महाराज जी ने यहाँ लाई। फेटे को जितने राजा महाराजाओं ने इसको डिमांड दिया है, आज के जमाने जी भी कोल्हापुर के अंदर किसी शादी या फंक्शन होता है तो उसमें पूरे पगड़ी तुम्हें हर मजहब के अंदर नजर आएगी। कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम नवर दे। अभी लगता है कि मैं कोल्हापुर आया हूँ। हाँ, अभी लग रहा है कि हम किसी रॉयल जगह जा रहे हैं या रॉयल फील ले रहे हैं। और शाहू महाराज नहीं लेकिन शाही महाराज तो लग रहा हूँ मैं। तो आप बाजीराव बन जाओ, मैं मस्ताने बन जाओ। बाजीराव मस्ताने। मराठा मर्दों की शान होती है फेटा, उसी तरह महिलाओं का ताज होता है कोल्हापुरी साज। कितनी सारी संस्कृति परंपरा ज्वेलरी के माध्यम से लोगों तक पहुंची है। ये जो है इसे पालड़ी कहते हैं। हमारे ट्रेडिशन में जो गुड साइंस है, जैसे कि ये ताइत है, शंख है, चक्र है, टॉर्टाइज है, यहाँ पे वागनक है, ये सब गुड चांस है ना, ये मिला के एक साज बनता है। जिधर भी आप साज देखोगे तो वो कोल्हापुर से ही बन के उधर आए होंगे। और ये इसे क्या कहते हैं? इसे वज्रटी कहते हैं। वज्रटी। और ये सबसे स्पेशल है, शिंदेशाही तोड़े बोलते हैं इसे। शिंदेशाही तोड़े। वाह। ये जो होते हैं वो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज है उस टाइम से सब पहनते आ रहे हैं। आई थिंक ऐसा कुछ लाइफ में अगर आप एक बार बना लो ना तो बस आपको और किसी ज्वेलरी की किसी दागिने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मुझे ऐसा ऑथेंटिक साज बनाना है जिसे मैं बस पूरी जिंदगी देखती रहूँ, निहारती रहूँ। कोल्हापुर आओ और कोल्हापुरी चप्पलों के बारे में बात ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी कोल्हापुर आता है चप्पल लिए बगैर कभी जाता नहीं, जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हर गली में बहुत सारी दुकानें हैं। कोल्हापुरी चप्पल को अगर डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में, सो द करेक्ट वर्ड इज रुबाब। अरे वाह, रुबाबदार। जब आप पहन के चलोगे तो आवाज तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि आप कि हम आ रहे हैं, कोई रुबाबदार पर्सनालिटी आ गई। देखिए कैसा आवाज आता है इसका। लेकिन आपको इसके पीछे का एक सीक्रेट बताऊं? क्या? ये जो आवाज आती है ना वो एक फल से आती है। फल? इसको बोलते हैं बिंसु, मतलब पिच्छू। अच्छा, तो ये इसे चप्पल में डालते हैं जो, और जब चलते हैं तो ये रुबाबदार आवाज आती है। चले आ रहा है ना एकदम रुबाब वाला फील। अहो देव आमचा शाहू राजा, सुखी समाधानी प्रजा, जगमध्ये गाजे कीर्ती कोल्हापुरची। तर आपल्याबरोबर स्वतः युवराजनी आहेत, प्रिन्सेस आहेत। थँक यू सो मच मॅम हमसे बात करने के लिए। कोल्हापूर आके दो चीजों की बात होती है, एक तो ये पैलेस की बात होती है और दूसरे कोल्हापुरी खाने की बात होती है। तो पहले पैलेस के बारे में, ये इस पैलेस के बारे में कुछ बताइए मुझे। इसे बोलते हैं न्यू पैलेस, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट 139 इयर्स ओल्ड। ओके, ये पैलेस बना 1877 से 1884 तक। ओके, और सर चार्ल्स मांट इसके आर्किटेक्ट थे।
और उन्होंने ये पैलेस बनाया. What does this family like to eat? Oh, we are foodies. We love every cuisine, but we love our food the most. Kolhapuri. Kolhapuri. आणि राणी साहेब महाराज फार उत्कृष्ट जेवण बनवतात. आणि कोल्हापुरी विचारलं तर मटणाचा रस्सा, सुक्क, पुलावा. पण आम्हाला पिठलं भाकरी करडा पण तेवढाच आवडतो. आम्हाला वडापाव पण तेवढाच आवडतो. वा, तुम्ही खाता वडापाव? खूप जास्त. बेसिकली आप गाडी निकाल के वडापाव स्टॉल पे जाकर वडापाव एन्जॉय करते हो. मिसळ पाव, भेळ, भेळ, कोल्हापुरी भेळ इज व्हेरी फेमस. वाओ, तो ये सारे जो एड्रेसेस है, नाम है, मैं लेके जाने वाली हूँ और हम लोग दोनों जगह ट्राई तो करने वाले हैं. बट थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतनी कैजुअली कैंडिड हमारे साथ बातें करी. थैंक्स अ लॉट. जितना पैलेस शानदार है ना, उतनी शानदार कहानियां हैं मराठा योद्धाओं की. दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड वॉरियर स्पिरिट. इसीलिए उन्हें कहते हैं मेरे जैसे मर्द मराठा. जैसे हम कह रहे थे कि मराठा वॉरियर्स ऐसे ही नहीं बनते, उसके लिए बहुत सारा डिसिप्लिन, बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है. अभी हम जो देख रहे हैं, जो युद्ध कला हम देख रहे हैं, इसे शिवकरण युद्ध कला के नाम से जाना जाता है. छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में जो हमारे योद्धा थे, जो हमारे मावड़े थे, जो जिन हथियारों से लड़ते थे, जिन हथियारों के साथ उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उन्हीं हथियारों का प्रशिक्षण यहाँ कोल्हापुर में दिया जाता है. और ये महाराष्ट्र की शौर्यशाली परंपरा है, इसीलिए इसे मर्दानी खेल भी कहते हैं. इनको देख करके मेरे अंदर का भी जो मराठा वॉरियर है वो थोड़ा सा जाग उठा है. मैं थोड़ी सी कर सकते. थैंक यू. मैं बहुत इंप्रेस हो गया हूँ, लेकिन मुझे भी जोश आ रहा है. बट आई एम नॉट श्योर हाउ आई विल एवर मैच अप टू दिस. इम्पॉसिबल. तो राजा भाव की बेल खानी ही चाहिए. एंड दिस मींस दैट दिस बेल इज एक्चुअली द फाइनेस्ट बेल इन द सिटी. आपका मर्दानी का खेल देखकर मैं इतना इंप्रेस हो गया हूँ कि मुझे भी आपको दिखाना है. क्या? थोड़ा कसरत वगैरह. अच्छा. लेकिन उससे पहले हाँ. मुझे थोड़ी एनर्जी की जरूरत है. तो हम पहुंच गए हैं ये मिरचकर तिकटी दूध कट्टा मित्र मंडल. हाँ. और मैं थोड़ा अब बन जाऊंगा मर्द मराठा. कोल्हापुर को कुश्ती पंडरी यानी महाराष्ट्र का रेसलिंग कैपिटल कहते हैं. इस मिट्टी ने कई पहलवान पैदा किए हैं. इनफैक्ट भारत का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में महाराष्ट्र के रेसलर केडी जाधव ने जीता था. धीरे धीरे धीरे. सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है आपको? थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन भूख भी लग रही है. थोड़ा फ्रेशन अप हो जाइए. मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त करती हूँ. चलो चलो चलो. कोल्हापुरी पांडरस कोल्हापुरी मटन, कोल्हापुरी पांडरस कोल्हापुरी मटन, झंझणीत टेस्ट नाही इसरायची. आहो झंझणीत टेस्ट नाही इसरायची, झंझणीत टेस्ट नाही. सो वेलकम टू कोल्हापुर का सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल और सबसे रॉ रेस्टोरेंट. नाम है देहाती और खाना भी देहाती होगा. बिल्कुल. और हाथ से खाना है? ऐसे हाथ से नहीं, उंगलियों से. कोल्हापुरी पांडरस कोल्हापुरी मटन, कोल्हापुरी पांडरस कोल्हापुरी मटन, झंझणीत टेस्ट नाही इसरायची. आहो झंझणीत टेस्ट नाही इसरायची, झंझणीत टेस्ट नाही इसरायची. तारीगा तारीगा तारीगा.
कोल्हापुरी शाही खाने की जो खासियत है ना, वो यहाँ के नॉनवेज में दिखाई देती है। इस नॉनवेज खाने का जो सरताज है वो है तांबड़ा और पांढरा रस्सा। और स्पेशली आपके लिए अभी आज दूधाचा सार एक रहता है, यहाँ पे दूध का सार रहता है। सुना है कि ये दूध है लेकिन तीखा है, दूध दूध है लेकिन फटता नहीं जब पकाते हैं, वो कैसे टेस्ट होता है? बिकॉज़ उसमें नमक नहीं डालते पकाते वक्त। अच्छा, सो आप जब खाने वाले हैं तब ऊपर से ऐसे नमक लेना पड़ता है। तो देहाती की स्पेशलिटी ही आहे कि दे गिव यू लाइक दिस बिग थाली व्हिच हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कीमा भी है, पैटीज भी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहां से करूं। लोणचं, तांबडा, पांढरा। ये जो अचार है ना, टीका है, उसका कोकोनट जो है वो ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ है, इसमें खसखस दिख रही है मुझे। अब मटन की क्वालिटी सॉफ्ट है। और ये है दूध सार जिसकी हम बात कर रहे थे। अरे वाह, क्रीमीनेस है उसका दूध का, और दैट झनझनी पड़ा, झनझनी पड़ा जो हिंदी में इसका कोई शब्द नहीं है। नहीं है, नहीं है। ये मटन। I just had a kalaji piece. Where? In mutton. I didn't find kalaji. I want kalaji. है क्या? मेरे में कलेजी है क्या? इसलिए कलेजी जान जन्ना है ना, तन्ना सा पड़ता। नसीब में होनी चाहिए, इनके नसीब में कलेजी थी। चलो, कोल्हापुर का जो मसाला है वो प्याज और लहसुन का एक स्पेशल मसाला रहता है, और कोल्हापुर की जो मिर्ची है, लवंगी मिर्ची जो कहते हैं, वो तीखी होने से ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। और यहाँ का जो पानी है, हार्ड वाटर है, उसका स्वाद है ना, वो यहाँ के रस्सों में आता है। रस्से में आता है। तो प्याज, लहसुन, मिर्ची और पानी। जो पांढरा रस्सा है उसके अंदर नारियल का दूध डाला जाता है। हाँ। इसके लिए उसका स्पाइस थोड़ा कम होता है, फ्लेवर लाइट होता है। और तांबड़ा रस्सा जो होता है वो दिखता है लार और तीखा, जब टेस्ट करोगे तो भी तीखा लगता है, लेकिन जब अंदर जाता है इट इज अ माउथफुल ऑफ एक्सप्लोजन। आहा, ब्यूटीफुल इट इज। ये सारा जो मसालेदार खाना खाया है, जो जायकेदार झनझनी लोग मिले हैं हमको, इसके बाद ऐसा कुछ मीठा खाने का मन नहीं हो रहा है। मेरे मन में जो था आप बोल गए। हाँ। आपने बोल दिया। तो सुना है यहाँ गन्ने के खेत बहुत है, और वहाँ कुछ ओरिजिनल बनता है गन्ने के खेतों में। चलो वहाँ चलते हैं। गीत कोल्हापुरी भेड़, कोल्हापुरी गुड़, गीत कोल्हापुरी भेड़, तिखड़ झनझनी लौंगी मिर्ची नारियल। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र स्पेशली कोल्हापुर में गन्ने की खेती बहुत होती है, और गन्ने से बनता है ये गन्ने का जूस। ये एक्चुअली 1200 लीटर गन्ने का जूस है, जिसको अभी हम बॉईल कर रहे हैं। कम से कम 2-3 घंटे इसको उबाला जाएगा, और उसके बाद गुड़ मामा होते हैं हर गुड़ की फैक्ट्री में, जो एक्चुअली टेस्ट करते हैं कि बराबर उसकी कंसिस्टेंसी है या नहीं, उसका टेस्ट बराबर है या नहीं। और जब वो बोलते हैं कि हाँ बस अब ये बराबर है, तो इसको पूरे वेसल को लेके जाया करता है वहाँ पर, और वहाँ पे लेकर जाके फिर उसको ठंडा करते हैं, मोल्ड्स में उसे पोर करते हैं। ट्राई करें क्या थोड़ा सा? गुड़, इतना सारा गुड़ मैंने देखा नहीं है। So cheers to good health. ये ऐतिहासिक शहर कोल्हापुर का हमारा सफर काफी यादगार रहा। I think जितना मीठा, जितनी मिठास इस गुड़ में है ना, उतनी ही मिठास यहाँ के लोगों में, इस शहर में। मुझे लगता है कि इतना ही मिठास अगर आपको भी चाहिए तो जरूर इस ऐतिहासिक शहर में एक बार आइए। और जैसे ये गुड़ इज सो स्वीट ऑन माय फिंगर टिप्स, देखते रहिए महाराष्ट्र ऑन माय लिप्स।